नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल RK एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 666 एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बताऊंगा, वो भी मोबाइल से। आप घर बैठे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो और आप देख सकते हो कि हमारा एग्ज़ाम किस डेट को है, क्योंकि जून का एडमिट कार्ड जो है सभी का जारी हो गया। जून 2022 एडमिट कार्ड सभी का जारी हो गया है। आप अपना मोबाइल से कैसे डाउनलोड करोगे आज के इस वीडियो में मैं आपको कन्फर्म बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्त आपको मोबाइल की स्क्रीन में लेकर, उसके बाद आपको हम सिखाते हैं। दोस्त सर्वप्रथम आना है अपने मोबाइल में, उसके बाद किसी भी गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको जो है 666 डालकर सर्च कर लेना है। जैसे ही आप 666 डाल को सर्च करोगे तो आपको जो फर्स्ट लिंक दिखाई देगा आपको उसी पे क्लिक करना है। तो हम 666 डालकर सर्च कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ फर्स्ट लिंक आपको दिखाई देगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एलॉरमेंट सिस्टम नाइलेट, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो 666 की ऑफिशियल साइट होती है उस पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ से 666 के बहुत सारे वर्क किए जाते हैं, जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, रिजल्ट देख सकते हो। तो यहाँ एक बड़ा सा पोपे के रूप में ऐड दिखाई देगा, आपको इसे यहाँ मल्टीप्लाई का निशान आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ से आपको इसे कट कर देना है। दोस्त आज के इस वीडियो में मैं आपको कन्फर्म बता दूंगा कि आपका जो है एडमिट कार्ड आ गया है, सभी बच्चों का जो है एडमिट कार्ड आ गया है और आपको डाउनलोड करना भी हम सिखा देंगे आप, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिखा दूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको आने के बाद आपको यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन जैसे ही आएगा तो उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए दोस्त जैसे ही आप एडमिट कार्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ जितने भी 666 कोर्स होते हैं उन सभी का आ जाएगा। तो हमें 666 सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्लेमर लगाना है, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन करना है, उसके बाद यहाँ एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका ऑप्शन ओपन हो गया तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में आपको जो है 2022 चल रहा है ना, तो आपको 2022 सेलेक्ट करना है। उसके मंथ में यहाँ पर आपको जून 2022 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको जून 2022 पे क्लिक कर देना है, उसके बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। देखिए दोस्त यहाँ मई जून अप्रैल सभी का जो है एडमिट कार्ड पहले से ही जारी था, तो जून का एडमिट कार्ड इस मंथ में जारी हुआ है जो आज के ही डेट में जारी हुआ है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं सिखा दे रहा हूं कि दोस्त आपको कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद देखिए दोस्त यहां जून का जो है एडमिट कार्ड सभी बच्चों का आ गया है, जितने भी बच्चों का जो है इस मंथ में एग्जाम है सभी लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपके मोबाइल में मैसेज या ईमेल पे आपके मैसेज गया होगा, उसके बाद यहाँ नीचे आपको जो है अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना पड़ेगा, जो आप रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, आपको इसे यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद आपको नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, उसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करके यहाँ व्यू बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप व्यू बटन पे क्लिक करोगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त कि आज के वीडियो में आपको कन्फर्म पता चल गया होगा कि कैसे डाउनलोड करना है। दोस्त हमारे पास किसी का जो है रोल नंबर नहीं है ना, तो हम आपको जो है डायरेक्ट आपको डाउनलोड करके ही सिखाते हैं। तो दोस्त अपना इसी प्रकार डाउनलोड कर लेना। अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है एडमिट कार्ड तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, हमारा लिंक यहाँ पर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हो, यहाँ पर हम बहुत सारे अपडेट न्यू अपडेट देते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको इसी प्रकार अपना जो है जून का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 7 जून से सभी का जो है एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, उसके बाद 15 जून तक सभी का एग्ज़ाम चलेगा, उसके बाद ही आपका रिजल्ट जारी होगा नेक्स्ट मंथ में। तो दोस्त आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।